हेलो दोस्तों, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया, घर बढ़िया होना भी चाहिए। अभी देख सकते हो मैं कहाँ पे रूम पे हूँ। ये मेरा मालिक जो है, जिसका मैं मशीन चलाता हूँ GCP, वो मालिक का है गोदाम। तो गोदाम के अंदर एक ऑफिस बना है, तो वही ऑफिस के अंदर मैं रहता हूँ। खाना पीना जो भी है सब यहीं पर मेरा होता है। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग सोचते हो कि बल नहीं कोई अच्छा रूम में रहता होगा, ऐसा नहीं, तो मैं गोदाम के अंदर ही रहता हूँ। हालांकि रात में सोने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो जो कीड़ा गोदाम वगैरह में होता है, तो वो कीड़ा यहाँ पे रहता है। ये देख सकते हो बेड है इधर, ये तकिया रखा है इधर। तो कल का वीडियो में आप लोग कैसा लगा कि नहीं लगा वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं हर बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉमेंट पर ज़रूर अपनी अपनी राय दीजिएगा, कॉमेंट पर ज़रूर राय दीजिएगा। हालाँकि मेरा यूट्यूब का जर्नी नया, आप लोग को पता है, अगर गलती भी हो जाता होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यूट्यूब में कैसा वीडियो लगता है कि नहीं लगता आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, कि एडिट में गड़बड़ होता है, कि वीडियो अपलोड करने में गड़बड़ होता है, जो व्यूज़ नहीं आता है, तो उसका बारे में आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। जो यूट्यूब का नया पुराना होएगा भाई, वो ज़रूर कमेंट पर बताइएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से। और चलिए मैं आज बाहर का व्यू दिखाता हूँ, मार्केटिंग का क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं तो फिलहाल अभी अंदर बैठा हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा मार्केट का व्यू है, ट्रांसपोर्टिंग मार्केट का। ये जितना भी दिख रहा है, ये रूम सब सरकारी का है, लेकिन दुकान जितना भी बंद है सब प्राइवेट है, खोल के बैठे हैं। मतलब ये सरकारी मार्केट है। तो मैं थोड़ा बाहर से मैं व्यू दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देख सकते हो, ये पूरा गोदाम है, यहाँ पर पेटी बाय पेटी रखा भी जाएगा। ये गाड़ी लग रहा है इसी पर लोड होएगा। आप लोग तो देख लिए होंगे बाहर का नज़ारा कैसा है कि नहीं है। बारिश का मौसम है, हमेशा ऐसा ही रहता है, बादल छाया हुआ, लेकिन भुज कचहरिया में बारिश तो फिलहाल अभी 4-5 दिन से बंद है और मशीन भी खड़ा है। तो इसी वजह से वीडियो में काम का अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो साइड पे जाता हूँ तो थोड़ा मोड़ा जो भी वीडियो रहता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन आप लोग भी थोड़ा शेयर कीजिए, आप लोग का भी थोड़ा मदद कीजिए, और आप लोग के सपोर्ट के बिना हो भी नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और आप लोग के सिवा यूट्यूब तो एक कंपनी, लेकिन आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और मैं हर बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो कैसा लगा कि नहीं लगा कॉमेंट पर ज़रूर बताइए। अगर कुछ भी गड़बड़ होएगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो शूटिंग में चाहे वीडियो एडिटिंग में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मैं आगे का व्यू में दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। मशीन तो हालांकि बाहर उधर ही खड़ा है रोड पे, तो वहाँ पे भी मैं जाऊँगा तो वीडियो दिखाऊँगा शूट करके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आज का व्यू आप लोग देख लिए होंगे, क्या काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ऐसी भी बारिश की वजह से मशीन खड़ा रहता है दोस्तों, तो कुछ भी शूट नहीं कर पाता हूँ। नहीं तो काम चलता है तो मैं हर वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अभी मैं देख सकता हूँ इधर मैं बैठा हूँ मशीन के सामने, जस्ट इधर आदमी एक नंबर करने के लिए आता है, लेकिन फिर भी मशीन के पास बैठना पड़ता है, क्योंकि डिप्टी बाय डिप्टी होता है, काम चले चाहे नहीं चले मशीन के पास तो आना ही पड़ेगा और आना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पीछे का नज़ारा। ये देख सकते हो मशीन खड़ा यहाँ पर कर दिया हूँ रोड के सामने ही, रोड का किनारा जगह नहीं है उधर। मैं आप लोग को दिखा चुका मार्केट का व्यू, मार्केट का वीडियो आप लोग देख चुके हैं, तो वहाँ पे मशीन खड़ा करने के अलावा नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टिंग का गाड़ी लगता है तो मशीन रोज़ इधर ही ला के खड़ा करना पड़ता है। और ये रहा भुज कच्छ का रोड रहा, तो अभी मशीन भुज कच्छ में है, मशीन बारिश में खड़ा है, ये देख सकते हो। और इधर ये जो है ये जंगल का सामने देख सकते हो, इधर थोड़ा स्मेल बहुत ख़राब आ रहा है, तो इधर से मैं सोच रहा मशीन के ऊपर चला जाऊँ, एक नंबर का खुशबू आ रहा है इधर से। तो वीडियो कैसा लगा कि नहीं लगा दोस्तों कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, हर मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए मशीन पर चलता हूँ, मशीन पर जाके मिलता हूँ। ये इधर बस रहा लग्जरी बस, ये पटेल कंपनी का बस है, देख सकते हो। और ये जो आप लोग कल देख रहे थे, ये बोल्ट टाइट कर दिया हूँ, देख सकते हो। ये रहा, ये ऊपर का सही था, नीचे का ही टूट गया था। तो आप लोगों को बता दूं कि GCP में बेल्ट नहीं रहता है, वो बोल्ट के अनुसार रहता है। इधर भी दो बोल्ट हैं और देख सकते हो सर्विस कराया था लेकिन फिर भी गंदा हो गया। तो चलिए मशीन के ऊपर जाके मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तो दोस्तों मशीन के ऊपर मैं आ चुका हूँ,
आप लोग देख सकते हो नीचे बैठा था तो मैं नीचे का आप लोग नजारा देख सकते थे। वहाँ पे आदमी बार बार एक नंबर आता जाता था तो वहाँ का स्टैंड जो बहुत खराब हो रहा था, तो क्या कीजिएगा, बाहर का लाइफ स्टाइल यही है, काम चले या ना चले साइड जाना पड़ेगा। अब जो ड्राइवर भाई हो उसका भी काम चले या ना चले उसको भी तो गाड़ी या मशीन के पास तो जाना ही पड़ता है। तो आज का व्यू देख लिए दोस्तों आप लोग, काम तो ऐसे भी बारिश के समय कुछ चल नहीं रहा है, तो जो भी मैं करता हूँ इधर उधर का मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहता हूँ। और आप लोग से भी थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा मदद कीजिए दोस्तों, मेरा तो ऐसे भी वास्ट टाइम क्लियर हो चुका है, सब्सक्राइबर नहीं क्लियर हुआ है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ यूट्यूब फैमिली से ये भी जल्दी आप लोग पूरा कर दोगे उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों मैं कल सवाल जो किया था कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका खून नीला पाया जाता है, तो उसका आंसर था ऑक्टोपस मछली, ऑक्टोपस फिश होता है इंग्लिश में बोला जाता है, तो हिंदी में बोलते हैं मछली हम लोग बोलते हैं, तो ऑक्टोपस मछली का खून नीला पाया जाता है। तो आज भी मैं दूसरा सवाल करूँगा उसका भी आंसर अगले वीडियो में दे दूँगा, हर दिन मैं आप लोग के साथ आंसर दे देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कि नहीं लगा दोस्तों कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, हालांकि मेरा ये यूट्यूब का नया जर्नी है और नया कैटेगरी है, तो आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि कैसा वीडियो लगता है कि नहीं लगता है। आज का सवाल कुछ है नहीं दोस्तों, खास आज मैं सवाल करता हूँ आप लोग से कि वर्ल्ड का सबसे कौन सा ऐसा देश है वर्ल्ड का जो सबसे पहले घड़ी बनाई थी, वह जिसमें हम लोग टाइम देखते हो समय देखते हो, वो कौन सा ऐसा देश है वर्ल्ड का जो सबसे पहले बनाया था, तो आप लोग कमेंट पर ज़रूर अपने अपने राय दीजिएगा। मैं हर वीडियो में सवाल करता हूँ और अगले वीडियो में आपका उसका आंसर दे देता हूँ। तो आप लोग से गुजारिश चाहता हूँ दोस्तों कि आज के आप लोग यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और आप लोग से थोड़ा हेल्प चाहिए, रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सबको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं हर वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, काम चले या ना चले आप लोग, हालांकि व्यूज मेरा डाउन आता है तो चलो जाने दो, छोटा मोटा चैनल में होता है, आप लोग का सपोर्ट रहा तो बढ़ता रहेगा। चलिए दोस्तों आज के आप लोग यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, बाकी मैं दूसरे दिन का व्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ।